हेलो स्टूडेंट, आज हम रिसर्च मेथोडोलॉजी के यूनिट नंबर 5 में लेक्चर नंबर 20 में पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑन टू सैंपल टी टेस्ट। टी टेस्ट विद अनइक्वल वेरिएंसेस, व्हाट इज द टी टेस्ट विद अनइक्वल वेरिएंसेस? व्हेन द वेरिएंसेस फॉर द टू ग्रुप्स आर नॉट इक्वल, वी कैन नॉट यूज द फूल एस्टिमेट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। यदि दो ग्रुप्स के वेरिएंसेस इक्वल नहीं हैं तो उनका पूल्ड एस्टिमेशन यानी पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना यूजफुल नहीं हो सकता। इंस्टेड वी टेक द स्टैंडर्ड एरर फॉर ईच ग्रुप सेपरेटली। तो उसके लिए हम स्टैंडर्ड एरर निकालते हैं अलग अलग सेपरेटली दोनों ग्रुप्स के लिए। द टेस्ट स्टैटिस्टिक इज, और टेस्ट स्टैटिस्टिक होती है टी इक्वल्स टू एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार अपॉन एच टू वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एच टू वन अपॉन एन वन प्लस एच टू टू अपॉन एन टू। द न्यूमरेटर ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक इज द सेम, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ द टू ग्रुप्स। इस तरह से कह सकते हैं दो ग्रुप में जो एवरेज है उनका डिफरेंस ही न्यूमरेटर में होता है। और द डिनोमिनेटर इज एस्टिमेट ऑफ द ओवरऑल स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मीन्स। जबकि नीचे जो डिनोमिनेटर होता है उसमें हम स्टैंडर्ड एरर लेते हैं मीन्स के डिफरेंस की। इट्स बेस्ड ऑन द सेपरेट स्टैंडर्ड एरर फॉर ईच ग्रुप, और दोनों के लिए दो ग्रुप्स के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड एरर ली जाती है, फिर उसका सम करके स्क्वायर लगाते हैं इसमें। द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैलकुलेशन फॉर द टी वैल्यू इज द मोर कॉम्प्लेक्स विद अन इक्वल वेरियंसेस दैन द इक्वल वेरियंसेस। डिग्री ऑफ फ्रीडम की कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है टी वैल्यू निकालने के लिए अनइक्वल वेरियंसेज, जबकि इक्वल वेरियंसेज में सिंपल होती है। एंड इज यूजली लेफ्ट अप टू स्टैटिकल सॉफ्टवेयर पैकेजेस, और ये जनरली छोड़ दी जाती है स्टैटिकल सॉफ्टवेयर पैकेजेस के लिए। द की पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट इफ यू कैन नॉट यूज द पूल्ड एस्टिमेट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका जो की पॉइंट है वो रिमेंबर याद रखना है हमें, वो है कि पूल्ड एस्टिमेट और स्टैंडर्ड डेविएशन का हम यूज नहीं कर सकते। देन यू कैन नॉट यूज द सिंपल फार्मूला फॉर द डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम का सिंपल फार्मूला यूज नहीं कर सकते। नाउ टेस्टिंग फॉर नॉर्मलिटी क्या होता है? द नॉर्मलिटी अजम्पशन इज मोर इम्पोर्टेंट व्हेन द टू ग्रुप्स हैव स्मॉल सैंपल साइजेस देन फॉर लार्जर सैंपल साइजेस। जो नॉर्मलिटी वाली कंडीशन हो, नॉर्मलिटी के लिए हमें जो टेस्टिंग होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ऐसे ग्रुप्स के लिए जबकि स्मॉल सैंपल साइज होते हैं लार्जर सैंपल साइज की बजाय। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर सिस्टेमेटिक, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक सिस्टेमेटिक होता है, सीमेट्रिक होता है, विच मीन्स दे आर इवन ऑन बोथ साइड ऑफ द सेंटर, सेंटर के दोनों साइड वो मीन होता है वो सेम होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डू नॉट हैव एक्सट्रीम वैल्यूज, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सट्रीम वैल्यूज नहीं होती हैं और आउटलेयर साइड प्लेयर्स नहीं होते हैं। यू कैन चेक दीज टू फीचर्स ऑफ ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद ग्राफ, इन दोनों फीचर्स को आप ग्राफ में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ में चेक कर सकते हैं। अर्लियर वी डिसाइडेड द बॉडी फैट डेटा वाज क्लोज इनफ टू नॉर्मल टू गो अहेड विद द अजम्पशन ऑफ द नॉर्मलिटी। इससे पहले हमने डिसाइड किया था कि जो बॉडी फैट होता है डेटा का वो बहुत क्लोज इनफ होता है टू नॉर्मल टू गो अहेड आगे जाने के लिए नॉर्मलिटी में और विद द एजम्पशन ऑफ नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी के एजम्पशन के लिए। द फिगर बिलो शोज द नॉर्मल इक्वेंटाइल प्लॉट फॉर मैन एंड वोमेन सपोर्ट अवर डिसीजन। नीचे जो फिगर्स दिए गए हैं वो बताते हैं कि मैन और वोमेन के लिए प्लॉट किया जाता है नॉर्मल क्वेंटाइल और सपोर्ट करते हैं डिसीजन को। ये रहा नॉर्मलिटी टेस्टिंग है सेक्स मैन के लिए और गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट के अकॉर्डिंग -1.28 सब इसकी वैल्यू दी गई है। और नीचे फिर वोमेन के लिए भी दिया गया है गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। यू कैन ऑल्सो परफॉर्म ए फॉर्मल टेस्ट फॉर नॉर्मलिटी यूजिंग सॉफ्टवेयर। द फिगर अबव शोज रिजल्ट्स ऑफ टेस्टिंग फॉर नॉर्मलिटी विद JMT सॉफ्टवेयर। वी टेस्ट ईच ग्रुप सेपरेटली, बोथ ऑफ टेस्ट फॉर मैन एंड टेस्ट फॉर वुमेन शो द वी कैन नॉट रिजेक्ट द हाइपोथेसिस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते। वी कैन गो अहेड विद द अजम्पशन दैट द बॉडी फैट डेटा फॉर मैन एंड फॉर वोमेन आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और हम नहीं आगे नहीं जा सकते इस अजम्पशन के कि जो बॉडी फैट डेटा होता है मैन और वोमेन के लिए वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। टेस्टिंग फॉर अनइक्वल वेरियंसेस, टेस्टिंग फॉर अनइक्वल वेरियंसेस कॉम्प्लेक्स। अनइक्वल वेरियंस जो टेस्टिंग होता है वो कॉम्प्लेक्स है
वी वुड नॉट शो द कैलकुलेशन इन डिटेल, हम उसको डिटेल में शो नहीं कर सकते, बट विल शो द रिजल्ट फ्रॉम GMP सॉफ्टवेयर, लेकिन GMP सॉफ्टवेयर से रिजल्ट को हम शो करेंगे। द फिगर बिलो शो रिजल्ट ऑफ टेस्ट फॉर द अनइक्वल वेरियंसेस फॉर द बॉडी फेट डेटा, इसमें एक रिजल्ट शो किया गया है, टेस्ट दैट द वेरियंस आर इक्वल, आर रेशियो, DF नॉर्म, DF10, पी वैल्यूज ऑल आर गिवन, इन दिस O'Brien's 0.5 ब्रांड फोर स्ट्रिथ लीव इन Bartlett and F-test to side it. These are also data. Without dividing into details of the different types of tests for unequal variances, we will use the F-test. Before testing, we decide to accept a 10% risk of concluding the variances are equal when they are not. That means we have set alpha equals to 0.10. Like most statistical software, GMP shows the p-value for a test. This is the likelihood of finding a more extreme value for the test statistic than the one observed. It's difficult to calculate by hand. For the figure above, with the F-test statistic of 1.654, the p-value is 0.4561. This is larger than over alpha value 0.4561 greater than 0.10. We fail to reject the hypothesis of equal variances in practical terms. We can go ahead with the two sample t-test with the assumption of equal variances for the two groups. Understanding p-values. Using a visual, you can check to see if your statistic is a more extreme value in the distribution. The figure below shows the t-distribution with 21 degree of freedom. ये 21 degree of freedom पे दिखाया गया है उसका डायग्राम. Alpha equals to 0.05, 5% diversity difference. Since our test is two-sided, when we have set alpha equals to 0.05, the figure shows that the value of 2.080 cuts off 2.5% of the data in each of the two tails. So only 5% of data overall further out in the tail than 2.080, because our test statistic of 2.80 is beyond the cutoff point. We reject the null hypothesis of equal means. Putting it all together with software, the figure below shows results for the two sample t-test for the body fat data from GMP software. This given data, pool t-test or t-test, dono ke liye diya gaya hai, women men ke liye aur women men ke liye. Isme equal variances diya gaya hai, isme unequal variances diya gaya hai. Result for the two sample t-test that assume equal variances are same as our calculation earlier. The test statistic is 2.79996. The software shows results for a two-sided test and for one-sided test. The two-sided test is what we want. Probability greater than Monty. Our null hypothesis is that the mean body fat for men and women is equal. Our alternative hypothesis is that the mean body fat is not equal. The one-sided test are for one-sided alternate hypothesis. For example, for a null hypothesis, the mean body fat for men is less than that for women. We can reject the hypothesis of equal mean body fat for the two groups and can conclude that we have evidence body fat differ in the population between men and women. The software shows a p-value of 0.0107. We decided on a 5% risk of concluding the mean body fat for men and women are different. When they are not, it's important to make this decision before doing the statistical test. The figure also shows the results for t-test that does not assume equal variances. This test does not use the pooled estimate of the standard deviation. As we mentioned above, this test also has a complex formula for degrees of freedom. You can see the degrees of freedom are 20.9888. The software shows the p-value 0.086. Again, with our decision of 5% risk, we can reject the null hypothesis of equal mean body fat for men and women. Other topics, what if I have more than two groups? If you have more than two independent groups, you cannot use the two sample t-test. You should use a multiple comparison method, ANOVA, or analysis of variance. In one such method, other multiple comparison methods include the Tukey-Cramer test for all pairwise differences, analysis of mean, ANOM, to compare group mean to the overall mean of, and Dunnell test to compare each group mean to control mean. What if data not from normal distribution? If your sample size is very small, it
might be hard to test for normality. In this situation, you might need to use your understanding of the measurements. For example, for the body fat data, the trainer knows that the underlying distribution of body fat is normally distributed. Even for a very small sample, the trainer would likely go ahead with the t-test and assume normality. What if you know the underlying measurements are not normally distributed? Or what if your sample size is large and the test of normality is rejected? In this situation, you can use non-parametric analysis. These type of analysis do not depend on assumption that the data values are from a specific distribution. For the two sample t-test, the Wilcoxon rank sum test is a non-parametric test that could be used. इस तरह से ये कंप्लीट होता है लेक्चर. आज हमने इसमें पढ़ा कि किस तरह से जो टी टेस्ट है उसको हम डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं. अनइक्वल वेरियंसेस के लिए हमने बताया था एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ एस टू वन अपॉन एन वन प्लस एस टू टू अपॉन एन टू. देन टेस्टिंग फॉर नॉर्मलिटी भी हमने किया इसमें, जिसमें लार्जर सैंपल साइज इसको यूज़ किया. स्मॉल सैंपल हैं, लार्जर सैंपल की बजाय तो नॉर्मलिटी एजुम्पशन किस तरह से इंपॉर्टेंट होती है वो हमने देखा इसमें. इसमें हमने दो डायग्राम भी बताए नॉर्मलिटी टेस्टिंग के लिए, मेल के लिए और फीमेल के लिए, या मैन और वोमेन के लिए. ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ रहा है बस. गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट का स्क्वेयर टेस्ट लेकर के हमने इसको किया है सॉल्व. इसके बाद हमने टेस्ट फॉर वेरियंस आर इक्वल है थी और अनइक्वल दोनों के लिए टेस्ट किया है. अंडरस्टैंडिंग पी वैल्यू क्या होता है वो टेस्ट किया है. इसका भी हमने 21 डिग्री फ्रीडम पे टी डिस्ट्रीब्यूशन देखा है अल्फा इक्वल टू 0.05 पे. और इसके बाद हमने ये डायग्राम है मैन और वोमेन के लिए पूल टी टेस्ट और टी टेस्ट दोनों का दिया गया है. तो डिफरेंसेज आ रहे हैं दोनों में. और इसके बाद अदर टॉपिक्स भी हमने कवर किए हैं. इस तरह से ये कंप्लीट होता है लेक्चर. थैंक्स ऑल ऑफ यू.